नमस्ते दोस्तों मैं हूं रघुनंदन नोकजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरवी कॉमर्स ट्यूटोरियल दोस्तों हम लोगों ने पार्ट वन ऑफ द चैप्टर थ्री बी के एक्सरसाइज में पहले तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे आज पार्ट टू में हम लोग क्या करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फोर है आपके एक्सरसाइज में दिया गया है असर्शन एंड रीजनिंग से रिलेटेड मतलब आपको क्या करना है एक असर्शन दिया होगा और एक रीजनिंग दिया होगा और उस पर आपको चार ऑप्शन दिए होंगे सही ऑप्शन आपको चुनना है अब ये असर्शन रीजनिंग क्या होता है असर्शन

अनदर वेरिएबल और उसका रीजनिंग है मतलब ये बोल रहे हैं कि हमने जो ऊपर सेंटेंस बोला उसका रीजन क्या है उसका रीजन है द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स प्राइस एंड चेंजेस इन द अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड तो एक एक ऑप्शन करके हम लोग देख लेते हैं पहला ऑप्शन है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स मतलब असरशन ट्रू है और रीजनिंग फॉल्स है दूसरा ऑप्शन है फॉल्स है रीजनिंग ट्रू है तीसरा ऑप्शन है असरशन एंड रीजनिंग बोथ ट्रू एंड रीजनिंग इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए मतलब असरशन रीजनिंग दोनों बराबर है और जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का और चौथा है असरशन एंड रीजनिंग बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दोनों ट्रू है बट जो आर है जो रीज़निंग है वो करेक्ट रीजनिंग नहीं है असर्शन का अब वापस से एक बार एग्जांपल पढ़ लेते हैं असर्शन दिया था क्या था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स दैट वन वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनादर अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यह नहीं बताता कि वन वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हमें इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो फिर इलास्टिसिटी कंसेप्ट क्या करता है सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस बताता है कि एक वेरिएबल चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होगा इसका रिस्पॉन्सिवनेस बताता है तो ये जो सेंटेंस है असर्शन है वो इट फॉल्स है क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ

है आपके पास ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू यह है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए इज इज फॉल्स एंड आर ट्रू अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों दिया है अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इज क्रॉस इलास्टिसिटी और रीजनिंग दिया है चेंजेस इन द कंज्यूमर इनकम लीड्स टू चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड

बट जो रीजनिंग है वो असर्शन का रीजनिंग नहीं है मतलब ऊपर कंसेप्ट अलग ही है क्रॉस इलास्टिसिटी और नीचे का कंसेप्ट अलग ही है नीचे का फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड है इसके लिए ये आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का तो दोनों ऑप्शन ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इसके लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर आर एंड ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इस ए आर सीरीज का अब ए आर सीरीज में असर्शन दिया गया है हमें डिग्री ऑफ प्राइस डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन वन इन केस ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड ओके और आर चेंज और रीजनिंग दिया है इस सेंटेंस का चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन अब इन्होंने पहले क्या किया है हमें ऑफ डिमांड में बताया में क्या होता है कि जो डिमांड की चेंजेस होती है वो कम होती है प्राइस के चेंजेस की वजह से तो पहला सेंटेंस तो बराबर है दूसरा सेंटेंस भी वही बात कर रहा है कि चेंजेस इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस तो इस रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में यही सिनेरियो होता है तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है जो और आर जो है वो करेक्ट रीजनिंग भी है ए का क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन लेस देन वन कब होती है जब क्वांटिटी की चेंज कम होती है प्राइस के चेंज के इसके लिए आर करेक्ट रीजनिंग है ए का तो हमारा इधर ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर थ्री ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए अब क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है दोस्तों सिंपल है डिस्टिंग बिटवीन दो डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए ये एक एक करके देख लेते हैं पहला है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड अब इलास्टिक डिमांड क्या बोला था मैंने आपको कि जो चेंज होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या कि जिधर प्राइस का चेंज कम होता है क्वांटिटी के चेंज की वजह से मतलब क्वांटिटी का चेंज ज्यादा है और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी का चेंज कम है तो पहले इसमें हम लोग डेफिनेशन दे लेंगे पहले पॉइंट में डेफिनेशन दे दिया व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देन डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब जो प्राइस का चेंज है वो प्राइस के चेंज की वजह से ज्यादा प्रोपोर्शन में क्वांटिटी चेंज आता है और पहले रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में भी डेफिनेशन दे दिया कि वैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू लेस प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देन द डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड हमने क्या कर दिया क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आता है इसके लिए उसको हम लोग इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं सेकेंड पॉइंट में हम लोग इसका वैल्यू दे, दे देंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई डी इज ग्रेटर देन वन और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इज लेस देन वन रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में तीसरे पॉइंट में है दोस्तों डिमांड कर्व हैज अ फ्लैट स्लोप स्लोप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इलास्टिक डिमांड में हमने देखा कि फ्लैट होते जाता है इसको जो स्लोप होता है जो कर्व होता है वो और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में इसका स्लोप होता है स्टीपर कर्व होता है मतलब स्टीप जो होता है उस फॉर्म में क्या करते हैं कर्व आ जाता है अब फोर्थ पॉइंट में हम लोग सिंपली ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे आपने पेन से किया पेंसिल से किया अभी तो भी चलेगा ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है अब ये जो डिफरेंस बिटवीन है दोस्तों ये आपको किधर मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है गूगल ड्राइव का उस गूगल ड्राइव लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अब दूसरा है दोस्तों इसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड अब परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या डिफरेंस है देखते हैं पहला है वेन पहला हम लोग हम लोग क्या करेंगे डेफिनेशन दे देंगे वेन स्लाइट एंड जीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स द इन्फिनिट चेंज इन द डिमांड देन इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस में कुछ चेंज आए या ना आए बट डिमांड इनफाइनाइटली चेंज हो जाती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है वेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है जब कुछ भी चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में नहीं आता है तीसरे पॉइंट में बता देंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इज इंफिनिटी और इधर इन परफेक्टली इन इलास्टिक में ईडी इज जीरो अब तीसरे पॉइंट में हम कर्व की बात करेंगे डिमांड कर्व इज हॉरिजेंटल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस परफेक्टली इलास्टिक के बारे में और परफेक्टली इन इलास्टिक के बारे में डिमांड कर्व इज वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब फोर्थ पॉइंट है ग्राफ का सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ करना है सिंपल पेन पेंसिल से किया तो भी चलेगा और उस ग्राफ के सहित हमारे ये चार पॉइंट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के दोस्तों अब जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके बुक में वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आंसर इन डिटेल जिसके पॉइंट टू पॉइंट आपको बुक में से जैसे कि वैसे उठा के आप लोग लिख सकते हैं इसके लिए वो जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं ले रहा हूँ आगे आगे हम लोग क्या करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या करना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें क्या दिया है फिगर्स दिए ग्राफ्स दिए कुछ और उस ग्राफ से हमें क्या करना है टर्म फाइंड आउट करना है और उस टर्म का डेफिनेशन लिखना है तो एक एक ग्राफ देख के हम लोग देख लेते हैं पहला ग्राफ आपको दिख रहा है पहला ग्राफ है दोस्तों जिधर क्या हो रहा है डिमांड कर हॉरिजांटल नहीं है वर्टिकल है डिमांड कर क्या है वर्टिकल है और पैरल टू एक्सिस है पर वर्टिकल और पैरल टू वाई एक्सिस में क्या सिचुएशन होता है जब डिमांड क्या होती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है इन इलास्टिक मतलब डिमांड चेंज नहीं हो रही इसके लिए डिमांड का क्या हो रहा है से स्ट्रेट लाइन वर्टिकल आ रहा है तो इसका आंसर होता है दोस्तों इस टर्म का आंसर है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ई डी इज इक्वल टू तो जीरो और हम लोग क्या करते हैं अभी डेफिनेशन भी इनका दे देते हैं कि वैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट इन डिमांड ऑफ कमोडिटी देन इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड हमें क्या क्या करना था हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना था टर्म और डिफाइन करना था क्या क्या डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पहला आंसर है दोस्तों परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड डिमांड चेंज नहीं हो रही है सेकेंड है दोस्तों सेकेंड है हॉरिजेंटल कर दिया है हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है इज इक्वल टू मतलब थोड़ा सा प्राइस में चेंज हो जाए या तो चेंज ही ना हो बट जो डिमांड है वो इनफाइनाइटली चेंज हो जाएगी तो हमारा आंसर आएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इलास्टिक क्योंकि चेंज हो रहा है और वेन स्लाइट एंड जीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट द इनफाइनाइट चेंज इन द क्वाटिटी डिमांडेड देन इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आंसर के साथ हमने क्या कर दिया डेफिनेशन भी लिख दिया अब सी चौथा डायग्राम है दोस्तों चौथा डायग्राम है जिसमें हमें क्या दिया है जितना प्रोपोर्शनेट चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हुआ है उतना ही प्राइस में हुआ है ये कब होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के केस में तो इस ग्राफ से हमें समझ रहा है कि ये डिमांड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है तो इसका आंसर आता है सी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और हम लोग डेफिनेशन में लिख देंगे कि परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लीड टू तो सेम परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड देन इट इज़ कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड अब डी लास्ट जो है लास्ट में आपको दिख रहा होगा फ्लैटर स्लोप है जो डिमांड कर का स्लोप आ रहा है वो फ्लैटर स्लोप आ रहा है तो ये सिचुएशन कब होता है ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है इलास्टिक मतलब चेंज होने वाली है इसके लिए क्या होता है कर का स्लोप जो होता है वो फ्लैट हो जाता है तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में ये होता है तो इसका टर्म आएगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और डेफिनेशन में हम लोग लिख देंगे कि परसेंटेज चेंज इन द प्राइसेस लीड्स टू मोर प्रपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन द क्वान्टिटी डिमांडेड देन डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड तो इधर हमें चार फिगर्स दी गई थी और चारों फिगर्स का क्या कर लिया हमने पूरा के पूरा एक्सप्लेनेशन उनका एक टर्म लिख दिया और उसके साथ उसकी डेफिनेशन भी लिख दी अब क्वेश्चन नंबर सेवन में दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि हमें क्या करना है अभी से ट्रू और फॉल्स एंड गिव द रीजन्स हमें एक क्या किया है ग्राफ दिया गया है ये ग्राफ किसका है तो पॉइंट मेथड से हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं उसका ग्राफ है एक डिमांड कर दिया गया है डाउनवर्ड स्लोपिंग ए से स्टार्ट हो रहा है ई e तक एंड हो रहा है बीच में डी क्या है मिड पॉइंट है ए और डी के बीच में बी पॉइंट है और डी और ई e के बीच में सी पॉइंट है अब एक एक क्वेश्चन इनका देखते हैं और एक एक क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं आंसर दे देते हैं पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि डिमांड एट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हमें क्या क्या बताना है ट्रू और फॉल्स है और रीजन भी बताना है कि क्यों फॉल्स है और क्यों ट्रू है ये बोल रहा है कि पॉइंट नंबर सी पे डिमांड जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कब होता है दोस्तों रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है जब क्वांटिटी का चेंज ज्यादा हो प्राइस के चेंज से बट इधर क्या हो रहा है हमने जब हम अगर पॉइंट मेथड से इस पॉइंट की इलास्टिसिटी मेजर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे लोअर सेगमेंट डिवाइड अपर सेगमेंट करेंगे ठीक है लोअर सेगमेंट क्या है सी और अपर सेगमेंट क्या है दोस्तों अपर सेगमेंट है ए सी सी सेगमेंट छोटा है ए सी से इसके लिए हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा वो पॉइंट में आएगा समथिंग मतलब लेस देन वन आएगा मतलब इन इलास्टिक डिमांड आएगा तो ये सेंटेंस फॉल्स है तो इसका आंसर आता है फर्स्ट का आंसर है फॉल्स और हम लोग अभी रीजनिंग लिख देंगे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे हम लोग कि डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड सच में क्या है ये रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बाय फॉर्मुला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट तीसरा पॉइंट में हम लोग लिख देंगे कि एट पॉइंट सी ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सी डिवाइडेड बाय सी सी ए सी क्या है बड़ा सेगमेंट है सी ए छोटा सेगमेंट है इसके लिए हमारा आंसर क्या ग्रेटर देन लेस देन वन आएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन दैट इज रिलेटिवली डिमांड अब जो सेकंड है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कि डिमांड एट द पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड अब बी पॉइंट किधर है ए और डी के बीच में है। मतलब डिमांड कर में ऊपर के साइड में बी पॉइंट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में मैंने आपको बोला था कि सेम प्रपोर्सनेट चेंज होता है प्राइस में और क्वांटिटी में इसके लिए ये पॉइंट हमेशा ग्राफ के मतलब डी डी के क्या आना चाहिए मिडल में आना चाहिए बट मिडल में कौन सा पॉइंट है डी पॉइंट है इसके लिए ये जो स्टेटमेंट uh, है वो फॉल्स है तो हम लोग लिख देंगे कि सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्ट और डिमांड एट पॉइंट बी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्यों है हम लोग वो भी बोल देंगे पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बाय द फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय पर सेगमेंट लोअर सेगमेंट में क्या है ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं इसके लिए पॉइंट बी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बी ए बी ई डिवाइडेड बाई बी ए बी ई बड़ा है बी ए छोटा है इसके लिए जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन वन आएगा इसके लिए इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन सो द इलास्टिसिटी इज़ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड नॉट द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें डिमांड एट डी इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब पॉइंट डी पे क्या गया है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है ऐसा बोला है अब डी पे मैंने आपको अभी हमने डिस्कशन किया था तब बोला था कि डी पे तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है इसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका आंसर आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री का फॉल्स और पॉइंट्स में हम लोग लिख देंगे कि डिमांड एट पॉइंट डी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड

चौथा स्टेटमेंट है कि डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या है हमेशा चेंज होने वाली मतलब जिसमें प्राइस का जीरो चेंज होने से क्या होता है क्वांटिटी का इनफाइनाइट चेंज हो जाता है अब ए पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे मेजर करते हैं ए पॉइंट पे लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट तो पूरा की पूरा डिमांड कर रहे हैं मतलब ए ही अपर सेगमेंट में जीरो है तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो मैथमेटिकली इन्फिनिटी आता है इसके लिए हमारा जो ये क्वे, ये क्वेश्चन पूछा है ये ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे इसका आंसर लिखेंगे ट्रू और पहले पॉइंट में लिखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बाय फॉर्मूला ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट सेकेंड इसमें लिखेंगे एट पॉइंट ए इड इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय जीरो एडीज समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी इन मैथमेटिक्स इसके लिए ईडी इज इन्फिनिटी दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अब ये आपको सब स्क्रीन शॉट निकालने की जरूरत नहीं है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाला है उस लिंक में ये सब का पी डी एफ आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन और ये सेवन का वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा मुझे लगता है आप सबने एंजॉय किया होगा ये एक्सरसाइज का सेशन थैंक यू सो मच दोस्तों